आप यहाँ जैसा कि देख रहे हैं सुबह शाम रात हर वक्त हर एज के बच्चे बूढ़े और इतनी ठंड में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम हमें अपोज कर रहे हैं अगेंस्ट एनआरसी और कैब की। और यहाँ ये देखिए, मैं भी यहाँ पे रोज आती हूँ और मेरी एक छोटी सी बच्ची है 1 साल की, जिसको मैं रोज छोड़ के आ रही हूँ। जब भी होता है, जब भी पॉसिबल होता है, हम तीनों फ्रेंड्स हैं, हम आते हैं और यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं। मेरा कहने का, आज मैं आई हूँ, मुझे आज इतना अच्छा लगा, इतना रिस्पेक्ट, मतलब बहुत ही अच्छा फील हुआ। वो रीजन ये है कि लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और लोग जो हमें तोड़ना चाह रहे हैं वो आज ये जान लें कि वो हमें तोड़ नहीं सकते, जिसका आज एग्जाम्पल मैंने खुद देखा है। ये जो पोस्टर मैंने लिया हुआ है, आप प्लीज इसमें 2 पोस्टर्स दिखाइए। 2 पोस्टर्स जो मैंने लिए हुए हैं, हम वहाँ साइड में खड़े हुए थे। वहाँ पे 3-4 बच्चे स्टूडेंट्स थे, वो DU के पास आउट थे, 5 ईयर्स हो गए उनको, खैर अब 5 ईयर्स हो गए, वो आए हुए थे। उन्होंने हमें बताया, ये वो पोस्टर्स लेके खड़े हुए हैं। एक का नाम है, आपको नाम जानते हुए इतनी खुशी होगी, एक का नाम था सौम्या और एक का नाम था सौरभ। एंड वो इतने, मतलब वो यहाँ अंदर भी आने को तैयार नहीं है। दे आर नॉट कम फ्रॉम टू केम इन फ्रंट ऑफ मीडिया, वो आए हैं सिर्फ हमें सपोर्ट करने के लिए और अपना सपोर्ट दिखाने के लिए। हैट्स ऑफ है सौरभ एंड सौम्या, रियली अप्रिशिएट। पीपल आर कमिंग फ्रॉम नोएडा, पीपल आर कमिंग फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ दिल्ली, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, एवरीवन इज हियर टू प्रोटेस्ट। एंड आई जस्ट हैव टू शो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, वी हैव टू। अब टाइम आ गया है और सबको समझ में भी आ गया है, पूरा हिंदुस्तान समझ रहा है कि हमें कोई अलग नहीं कर सकता। इसलिए अब जो भी चीज़ें हैं, आप हमें अलग नहीं कर सकते, कोई भी पैतरे मत आजमाओ, कुछ नहीं होगा। हम एक